नैना एक बड़े बिजनेसमैन राजनाथ की बेटी होती है। वो लोग बंगले में रहते हैं। रोज की तरह नैना सुबह सुबह एकदम हॉट अंदाज में अपने कॉलेज को जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी माँ स्नेहलता उसे आकर कहती है, नैना माय प्रिंसेस, आज से नया ड्राइवर रखा है हमने काम पर। उसका नाम राहुल है, तुम्हारी ही एज का है। उसे मैंने सब समझा दिया है, वो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ ले जाएगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहती हैं कि ही इज माय पर्सनल ड्राइवर, राइट मामा? हाँ मेरी प्रिंसेस। ध्यान से जाओ बेटा। नैना घर के बाहर आकर राहुल की राह देखती है। मेरा नाम राहुल है और मैं हूँ आपका नया पर्सनल ड्राइवर। हाय, तुम लगते नहीं हो ड्राइवर, आई मीन इतना हैंडसम, डैशिंग और बॉडी बिल्डर ड्राइवर मैंने पहली बार देखा है। तुम्हारे साथ राइड करने में रोज मजे आने वाले हैं। चलो। After you। नैना और राहुल दोनों खूब घूमते हैं। कॉलेज के बाद नैना राहुल को शॉपिंग मॉल और बड़े से 5-स्टार रेस्टोरेंट में भी ले जाती है। घबराओ मत, बिंदास जो ठूसना है ठूसो। थैंक यू नैना। एक दिन जब राहुल नैना को कॉलेज के बाद लेने आता है, तभी वो उसकी डांस परफॉर्मेंस को चुपके से देखता है। आने वाले एनुअल फंक्शन के लिए नैना डांस रिहर्सल्स कर रही होती है। लहरा के बलखा के, बलखा के लहरा के, आग लगा के दिलों को जला के, करूं मैं इशारा, शरारा शरारा, शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। अरे नैना जी तो सच में बहुत अच्छा डांस करती है। लेकिन तभी राहुल देखता है कि कुछ लड़के नैना के बोल्ड पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तरफ बुरी नजर से देख रहे हैं। वो तुरंत ही गुस्से में कॉलेज कैंपस में आता है और उन लड़कों को बहुत मारता है। राहुल का अपनी तरफ ये कंसर्न देखकर नैना को बहुत अच्छा लगता है। राहुल, मुझे तुम्हारे हाथ पर ये ऑइंटमेंट लगाने दो। अरे नहीं नहीं नैना जी, मैं खुद लगा लूंगा। मैंने कहा ना मैं लगाऊंगी, एंड यस मुझे नैना कहो। नैना जी क्यों कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ? इडियट। राहुल मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं भी आपसे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैना और राहुल एक दूसरे को गाड़ी में ही किस कर लेते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तभी उन्हें राजनाथ का एक दोस्त देख लेता है और उनकी फोटो क्लिक करके राजनाथ को भेजता है, जिसके बाद राहुल को राजनाथ के आदमी बहुत मारते हैं। मत मारिए मुझे, मैं नैना से प्यार करता हूँ। राहुल 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 को मत मारिए। शरम वरम बेच के खा गई है तू। अरे दो कौड़ी के ड्राइवर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया तूने, इसे मार मार कर फेंक दो किसी कचरे के डिब्बे में, कमी ना कहीं का। चलो अंदर तुम, अब तो सीधे तुम्हारी शादी ही होगी। राहुल को बेरहमी से मार कर सड़क पर फेंक दिया जाता है। वहीं राजनाथ अपने बिजनेस फ्रेंड महेंद्र के बेटे मोंटी के साथ नैना की शादी कराने का फैसला लेते हैं। मम्मा मुझे मोंटी से शादी नहीं करनी है, मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करना चाहती हूँ। नैना इनफ, तुम मोंटी की दुल्हन बनने वाली हो, एंड दैट्स फाइनल। लेकिन स्नेहलता और राजनाथ इस बात से अनजान थे कि मोंटी और महेंद्र दोनों बाप बेटे का अलग ही षड्यंत्र रच रहे थे। शादी के दिन ही हम उस राजनाथ को जान से मार देंगे ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो सके। ओह डैड, एक बार बस नैना मेरी बीवी बन जाए फिर तो सब सेट है। शादी के दिन मोंटी और महेंद्र राजनाथ को मारने के लिए गुंडे भिजवाते हैं, जो उसके कमरे में चाकू लेकर जाते हैं। लेकिन उतने में वहां पर राहुल पुलिस को लेकर आ जाता है और उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। राहुल बेटा तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुंडे मारने वाले हैं? मुझे महेंद्र और मोंटी के ड्राइवर चंदू ने बताया। चंदू मेरा दोस्त है, चंदू ने इन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था और आकर मुझे सारी बात बता दी थी। राहुल राजनाथ को सारा सच बता देता है कि मोंटी और महेंद्र ही असली गुनहगार हैं। हाँ हाँ, हमें भी इन दोनों ने ही पैसे दिए थे आपको जान से मारने के लिए। हाँ हाँ। और इस सब के बाद राजनाथ हाथ जोड़कर राहुल से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो राहुल बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, असल में तो तुम हीरा हो। तुम भले ही गरीब ड्राइवर हो लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारा मन बहुत अमीर है। मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाओगे क्या? जरूर साहब। साहब नहीं पापा जी बोलो। और इस तरह आखिर में राजनाथ ही राहुल और नैना की शादी कराते हैं।
और सब हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। अब तक आपने देखा कि रजत के जाने के बाद काव्या लाइफ में कितनी अकेली हो गई थी, और फिर उसके सास ससुर काव्या की शादी मंजीत से करा देते हैं ताकि वो बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ जाए, और होता भी यही है। काव्या जीवन में आगे बढ़ जाती है और मंजीत के साथ हंसी खुशी से रह रही होती है, वो प्रेग्नेंट भी होती है। उसी समय उसकी मुलाकात उसके पहले पति रजत से हो जाती है। अब आगे। रजत जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों काव्या, क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मैंने तो इंतजार किया था, घर वाले ही नहीं माने तो मैं क्या करूं? और ये तुम्हारा पेट इतना फूला हुआ कैसे है? मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये बच्चा मेरा और काव्या का है, तो क्या आप काव्या तो मेरे साथ वापस नहीं आ सकती? रजत जी, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से ना आगे जाने का रास्ता दिख रहा है और ना ही पीछे, और ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं जमीन में धंसती ही चली जा रही हूँ। तभी रजत के माता पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं। माँ पापा, आप आ गए, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। माँ जी, पापा जी। बेटा, हमने तो तेरी शादी ये सोच कर कराई थी कि तू जीवन में आगे बढ़ जाएगी तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन तू अब वापस आ जा। अरे ऐसे कैसे, जब आपने चाहा हमारी बहू पीछे चले जाए, जब चाहा आगे बढ़ जाए, और मेरी बेटी की भी तो जिंदगी है कि बस तुम और तुम्हारा बेटा ही है। नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, अब तो वो मुझे पोता भी देने वाली है। इस तरह दोनों समधन आपस में लड़ने लगती है, और ये देखकर अचानक से काव्या का बीपी हाई हो जाता है। और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। काव्या, काव्या। इस तरह दोनों काव्या को गोद में उठाने के लिए दौड़ते हैं। तभी सॉरी, तुम उठा लो। नहीं, पहला हक तुम्हारा है, भले ही मेरी बीवी है तो क्या हुआ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम इसे लेकर जल्दी से आओ। फिर मंजीत गाड़ी निकालता है और रजत काव्या को गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाता है। फिर दोनों जल्दी से काव्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां काव्या एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। मुबारक हो, अरे बेटी हुई है। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन काव्या की दूसरी वाली सास उससे ना खुश थी। अब तो बेटी हो गई है, अब तो इस कलमूही को मेरे बेटे को छोड़कर जाने का बहाना मिल गया है। इस घर का वंश आया होता शायद रुक भी जाती। कैसी बात करती हो माँ, ऐसे मौके पर तो खुश होना चाहिए, सब कुदरत का खेल है, हम तो बस मोहरे हैं। अपनी माँ को मत सिखा, मुझे पता है ये भगवान से यही मांग रही थी कि बेटी हो जाए ताकि ये वापस चली जाए। वही काव्या की डिलीवरी अच्छे से हो जाती है, कुछ दिनों में वो घर भी आ जाती है, लेकिन अब भी सवाल वही कि वो चुने तो चुने किसको। ऐसे ही एक दिन काव्या घर में बैठी होती है कि रजत उसके दोनों बच्चों को लेके आता है, और दोनों मम्मी मम्मी करके उससे लिपट जाते हैं। हाँ भाई, फिर से नौटंकी शुरू। देख बहू, हम इज्जतदार लोग हैं और इस तरह किसी गैर मर्द को घर में आना शोभा नहीं देता। भले ही तेरा पहला पति है, लेकिन अब तो गैर ही है ना। या तो फिर अब फैसला ही कर ले तुझे किसके साथ रहना है, क्योंकि यूँ दो नाव पर तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। रजत जी की भी तो कोई गलती नहीं है, और मंजीत जी भी बेकसूर है, मैं क्या करूँ भगवान। तभी काव्या के मन में ख्याल आता है, फिर वो अपने दोनों पतियों को बुलाकर उनसे डिस्कस करती है और पूरे घर वालों से कहती है। माँ जी, पापा जी, सासू माँ, हमने डिसाइड कर लिया है, हम तीनों साथ रहेंगे और हमारे बच्चे भी। क्योंकि जो भी सिचुएशन है, पिस तो हम तीनों ही रहे हैं ना। जब हमारी खुशी एक दूसरे में है तो हम तीनों साथ रहने में ही खुश हैं। वैसे तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन द्रौपदी के भी पांच पति थे तो तेरे तो दो ही हैं। जब भगवान ही यही चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। और इस तरह काव्या अपने दोनों पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है, और वो दोनों भी बड़े ही अंडरस्टैंडिंग थे।